This is class 9 and today our topic is about the past continuous tense. In the previous lecture, you learned about the past indefinite or you can say that past simple tense. So, today we will learn about the past continuous tense and active voice of the passive voice of past continuous tense. सबसे पहले बात की जाए इसके आइडेंटिफिकेशन की तो पास्ट की आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी पास्ट की आइडेंटिफिकेशन अगर इंग्लिश में की जाए तो वाज कॉन्टिन्यूस की अगर की जाए तो इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का एडिशन किया जाता है और टेंस आपको पता है टाइम होता है और अगर उर्दू में इसकी बात पहचान की बात की जाए तो कॉन्टिन्यूस में हमेशा रहा और पास्ट में था रहा था रही थी रहे थे वगैरह आता है और इंग्लिश में मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दी कि वाज और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है फॉर्मेशन पे चलते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है फॉर्मेशन सेम एज दैट बाकी टेंसेस की तरह इसकी भी फॉर्मेशन की जाती है द फर्स्ट थिंग दैट वी यूज इन द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज द यूज ऑफ सब्जेक्ट देन कम्स द हैविंग वर्ब एट थर्ड इट कम्स द वर्ब एंड एट फोर्थ इट कम्स द ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करते हैं जो इसका टाइम बताया जा रहा है पास्ट का सो आप हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज करेंगे वाज और वर्ब वर्ब की बात की जाए तो वर्ब यहां पे यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंपल टेंस है ये बहुत इजी टेंस है फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं आप लेट्स स्टार्ट इसका देखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाया जाता है मुबश्शिर अखबार पढ़ रहा था अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पॉइंट आउट कर लेते हैं पहले पढ़ कौन रहा था मुबश्शिर सो मुबश्शिर वाज द सब्जेक्ट क्या पढ़ रहा था अखबार अखबार वाज द ऑब्जेक्ट अखबार हमारे पास ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट था हमारे पास यहाँ पे क्या है रहा था हमारे पास वर्ब ठीक है प्लस हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास ये क्लियर नेक्स्ट पढ़ पे यहाँ पे आ जाए ये हमारे पास वर्ब है क्लियर अब यहाँ पे चलते इसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं मुबश्शिर हेल्पिंग वर्ब पे आ जाए वर्ब यूज करते हैं He, she, it, name और singular person के साथ जबकि verb का हम जो use करते हैं I, we, they, you and plural person के साथ इसका आप use करते हैं हमेशा मुबश्शिर singular हो चुके मुबश्शिर was reading फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रीडिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट नेगेटिव पे चले मुबश्शिर वाज वाज का वाज के बाद मुबश्शिर अखबार पढ़ रहा था अब नेगेटिव में करेंगे तो मुबश्शिर अखबार नहीं पढ़ रहा था मुबश्शिर वाज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट इंटरोगेटिव की बात करें तो आप हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव टेंस में क्या वाले जुमले में स्टार्ट किए जाएंगे वाज मुबश्शिर रीडिंग न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पे पैसिव वॉइस पे आ जाते हैं पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको पहले भी फॉर्मेशन बताई थी ये पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन सिंपल फॉर्मेशन रहती है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट देन सेम एज दैट कम्स द हैविंग वर्ब देन कम्स वो मेन वर्ब जिसको आप बोल रहे हैं एट फोर्थ इट कम्स द एडिशन ऑफ बाय एंड एट फिफ्थ इट कम्स द सब्जेक्ट अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब को पहले तो आप सेम एज दैट ही रखेंगे वाज एंड वर ही रखेंगे लेकिन आप इसमें एडिशन किस चीज का कर देंगे बीइंग
क्लियर। बीइंग का एडिशन किया जाएगा और वर्ब की बात की जाए तो वर्ब हमेशा आप यहां यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसका नेगेटिव इसका पैसिवाइज बना लेते हैं। जो यहाँ पे लिखा है मुबशर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्सटेंस भी क्या था न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेते हैं न्यूज़पेपर। वाज और सेम एज दैट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है न्यूज़पेपर जो कि सिंगुलर है वाज बीइंग एडिशन ऑफ बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किया था, जबकि पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सॉरी, तो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं न्यूज़पेपर वाज बीइंग, यहाँ पर रीडिंग है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म रेड रीड थी, तो इसकी थर्ड फॉर्म रेड। न्यूज़पेपर वाज बीइंग रेड बाय मुबशिर। नेगेटिव पे बात करें तो सेम एज दैट न्यूज़पेपर वाज नॉट बीइंग रेड बाय मुबशिर। इंटरैक्टिव की बात करें तो वाज पहले आ जाएगा, वाज न्यूज़पेपर being read by Mubashir. So this was the past continuous tense. This was the formation of the tense subject having verb, verb and object. Having verb की बात की जाए तो past verb का use किया जाता है, जबकि verb में first form plus ing condition किया जाता है। passive voice की बात की जाए तो subject change into objects, next comes the having verb, verb and by। यहाँ पे आप having verb में past verb plus being का use करेंगे, जबकि verb में third form of verb का use करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने formation लिखी थी उसके मुताबिक मैंने tense बना दिया। If you have any confusion about the past continuous tense, you can ask me. I'll give you with a new lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.